वेलकम इन हैप्पी किचन विद रक्षा। आज हम आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आए हैं। तो ये रेसिपी हमारी रक्षाबंधन स्पेशल है, तो चलिए गुलाब जामुन बनाते हैं एक खास टिप्स और ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 बाउल शुगर लिया है और उसमें 1 बाउल ही हमने वाटर ऐड किया है। तो बस इसे चीनी गलने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारी चीनी गल जाएगी तो हम इसमें 2-3 मिनट और पकाएंगे। बस अभी हमारी चाशनी तैयार है, तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बस ये थोड़ी चिपचिपी हो जाए। इसे एक तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल ये दोनों उंगलियों के बीच में चिपकने लगे। तो बस अभी ये रेडी है। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे एक साइड रख देंगे। तो चलिए अब हम अपना गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे मावा यानी खोआ। ये थोड़ा सा हार्ड था तो मैंने इसे क्रश कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप कोशिश करिए कि आपका जो मावा हो वो सॉफ्ट हो। तो फिर अब हम इसे अच्छे से मैश करके सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक हमारी खास टिप्स है कि हमने इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड किया है, यानी कि हमारा यहाँ पे 250 ग्राम मावा था तो हमने यहाँ पे 50 ग्राम के लगभग पनीर ऐड किया है। उसे अच्छे से हाथों से मलते हुए चिकना बना लेंगे। और उसके बाद मावे में ऐड करके अच्छे से मलते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। याद रखिएगा, हमें मावे को बहुत ही अच्छे से मसलते हुए तैयार करना है ताकि जब हम रसगुल्ले बनाएं तो उसमें क्रैक ना रहे। तभी हमारा पनीर जो है क्रम्बल हो गया है और हम इसे अपनी मावे में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। और तीन बड़े चम्मच मैदा यूज़ किया है। मैदा यहाँ पे कम या ज़्यादा लग सकता है, जैसा आपका मावा होगा उसी हिसाब से आपका मैदा यूज़ होगा। जैसे वो ज़्यादा गीला है तो उसमें मैदा ज़्यादा लगेगा, ड्राई है तो कम लगेगा, वो उसी पे डिपेंड करता है। तो आप इसे अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। यहाँ पे मेरा जो मावा है वो ड्राई लग रहा है तो यहाँ पे मैंने पानी के छींटे से इसको गूँथा है। आप यहाँ पे मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे दूध से भी आप इसको सान सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से गूंथ के रेडी करूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाएंगे और बीच में कभी कभी गुलाब जामुन में गाँठें पड़ जाती हैं तो वो गाँठें ना पड़े, नहीं इलायची दाने का यूज़ किया है। तो इसे अच्छी तरह हाथ से मसलते हुए पहले तो चिकना करेंगे, उसके बाद इसके अंदर इलायची दाना डाल देंगे ताकि बीच में गाँठें ना रहें। आप इसकी जगह पे कोई भी स्टफिंग कर सकती हैं ड्राई फ्रूट्स की। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखा है गुलाब जामुन को, तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट का यूज़ नहीं किया है। ये केवल इसलिए है कि इसमें गाँठे ना पड़े। तो बस अब इसे ऐसे करते हुए हाथ से दबाते हुए अच्छा चिकना गोला बनाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गोले में एक भी क्रैक ना हो, नहीं तो वो कढ़ाई में जाके फट जाएंगे। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक गोला बनाइए
और अपनी हल्की गरम ऑयल में उसको डाल के ट्राई कर लीजिए। अगर वो फटता है तो इसका मतलब है कि आपके आटे में मैदे की कमी है, तो आप उसमें 1 से 2 टेबल स्पून मैदा और ऐड करके अच्छे से मिक्स करके अच्छे से गूंथ लेंगे। और अगर ये परफेक्ट आता है तो कोई बात नहीं, तो आप इसे अच्छे से चिकनी गोली बनाएंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह। और बस इसी तरह हम कई सारी गोलियां रेडी कर लेंगे। और जो हमने ऑयल गैस पे रखा है वो ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होगा, उसे हल्की धीमी आंच पे हमें पकाना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, या बहुत है तो आप मीडियम कर सकते हैं, हाई नहीं रखना है। और आपको स्लो गैस पे ही धीरे धीरे गुलाब जामुन को फ्राई करना है। उसमें भी आपको गुलाब जामुन कहीं से भी टच नहीं करना है, आपको ऑयल को ही हिलाना है, वो अपने आप ही घूमते हुए गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। आप इस तरह कढ़ाई से भी हिला सकते हैं, या आप अपनी करछी से इस तरह ऑयल को हिलाते रहेंगे ताकि उसमें एक मूवमेंट होती रहे और बॉल्स जो हैं वो अपने आप ही मूव होते रहेंगे। बस इस तरह करते हुए इसे गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। आपको ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही धीरे धीरे आप इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। और बस अब ये हो गया, तो इसे हम यहाँ से निकाल के अपने सीढ़े में डाल देंगे, यानी कि चाशनी में डालेंगे। और चाशनी भी हमारी थोड़ी गर्म रहनी चाहिए, और हमें गुलाब जामुन को 2 घंटे के लिए चाशनी में डूबे रहने देना है। तो बस ये गुलाब जामुन अभी रेडी है, और इस रक्षाबंधन आप अपने भाई को गुलाब जामुन खिलाइए। कुछ बातों का ध्यान रखना है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो, गोलियां बनाते समय क्रेक ना हो, ऑयल हल्का गर्म हो, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, और चाशनी बस केवल हाथ में चिपकने वाली हो। और इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे और उसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और बस 2 घंटे बाद ये खाने लायक बिल्कुल हो जाएंगे। वेलकम इन हैप्पी किचन विद रक्षा। आज हम आपके लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आए हैं। बेसन का लड्डू हमारे यहाँ हर फेस्टिवल में हमारे घर में ज़रूर आता है, और वो खाने में भी सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं बेसन का लड्डू कैसे बनाते हैं। बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, देसी घी, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा वाटर। हमें इनकी क्वांटिटी सेम रखनी है, मतलब कि जितना बेसन उतना ही घी और उतना ही शुगर। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम अपने शुगर डालेंगे, और इसमें 1/3 कप वाटर ऐड करेंगे। इसका हम भूरा बना रहे हैं क्योंकि बेसन के लड्डू में भूरे से ही बनाने पे वो दानेदार बनते हैं। तो अभी हम दानेदार लड्डू बना रहे हैं, इसलिए हम भूरे का यूज़ करेंगे, जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, बट मैं घर पे बना रही हूँ। तो आप ये देखिए, और वाटर डालने के बाद चीनी मेल्ट होने तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए इसे लगातार चलाते रहेंगे, देखिए बबल्स आने लगे हैं। चेक करते रहिए कि हमारी चीनी बिल्कुल जमने वाले स्टेज पे, हमको रुकना है इसे। जब ये जमने वाले स्टेज पे आ गई है, तो अभी हमने इनमें 2 स्पून घी ऐड कर दिया, जिससे इसमें उल्टियाँ ना पड़े। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे बिना रुके। ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे ही जमता जाएगा, और इसका कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज होता जाएगा। ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए हमारी तगार या बूरा, जो भी कह लीजिए, वो रेडी है। अब तगार रेडी है, तो अब हम अपने बेसन का लड्डू बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम 1 स्पून घी ऐड करेंगे, और इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को
फ्राई करेंगे। इसको धीमी आंच पे करना है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत जल्दी ही जल सकते हैं। बस 2 मिनट करेंगे ये रोस्ट हो जाएंगे। अब हमने अपनी कढ़ाई में 75% घी डाल दिया। थोड़ा सा घी हमने बचा के रखा है कि बाद में अगर हमको लगेगा कि घी की ज़रूरत है तो हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपना बेसन ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 1.5 बाउल जो है बेसन लिया है। पहले 1 बाउल का बेसन हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ये दूसरा डालेंगे। क्वांटिटी में ये सारे सेम है, मतलब कि शुगर, घी और बेसन क्वांटिटी में सेम है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए मिक्स हो गए। अभी मुझे ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो मैं इसमें 2 स्पून घी और ऐड कर दूंगी। अब इसे कम से कम 20 मिनट तक लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे हमें भूनना है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बेसन को तेज आंच पे नहीं भूनेंगे। इससे क्या होगा कि बेसन कहीं पे ज़्यादा पक जाएगा और कहीं पे कच्चा रह जाएगा, जिससे लड्डू खाते समय लड्डू मुँह में चिपकेंगे। देखिए ये लगातार अपना बेसन भुनता जा रहा है, इसका टेक्सचर भी चेंज होता जा रहा है। अब ये भुन गया है और ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया। इससे क्या होगा कि बेसन में बबल्स आ जाएंगे और ये दानेदार बन जाएंगे। हमने जिस बेसन का यूज़ किया है वो बारीक बेसन है, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए हमेशा मोटे बेसन का यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए हम इसे पानी सूखने तक चलाएंगे। अब ये हम दोबारा से इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये हम एक ही से 2 बार ही कर सकते हैं। तो वापस से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिए जब तक हम वाटर को सुखाएंगे इसे लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। और आप देखिए ये धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। अभी बेसन भी बिल्कुल भून चुका है। अब हम इसे किसी और बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। ये ठंडा हो गया है। अब ये देखिए हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया, कुछ ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे और उसे कट करके वो हमने ऐड किया और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपनी तगार मिक्स करेंगे। तो पहले मैं हाफ ले रही हूँ, इसे मिक्स कर लेंगे तो फिर पूरा ऐड करेंगे। इसे हाथ से अच्छी तरह मिलाएंगे। इसके बाद ये पूरा तकार ऐड कर देंगे। तो बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा बेसन मोटे दाने का हो, हमारा तगार अच्छा बने और सभी चीज़ों की क्वांटिटी बराबर हो। हम बेसन लेते हैं तो आप इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखते हैं, मैंने छोटा सा बाउल लिया है ताकि मेरे बेसन के लड्डू सारे इक्वल बने, सेम साइज़ के बने। तो मैंने उसी को भर के ये लड्डू का पाउडर लिया और उसे रोल कर रही हूँ। ये देखिए पहले दोनों हाथों से दबाते हुए प्रेस करेंगे, फिर इसे रोल रोल घुमाते रहेंगे और वापस से इसका सेप देने के लिए दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और इसे घुमाते रहेंगे। ये देखिए बन गया परफेक्ट शेप। हम एक और बना लेते हैं।
ये लड्डू बहुत ही अच्छे से बन गए और खाने में भी बहुत टेस्टी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। और ये देखिए, अब हमारे सारे लड्डू रेडी हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वेलकम इन हैप्पी किचन विद रक्षा। तो आज की रेसिपी है ये ट्रेडिशनल राजस्थानी मावा कचौड़ी। ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और हम इस रेसिपी को किसी भी त्यौहार या किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 बाउल मैदा लिया और उसमें 2 से 3 स्पून हमने ऑयल ऐड किया और बस इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को हमें बहुत अच्छी तरह से गूंथना नहीं है, बस इसे मिक्स करना है। और हम बस इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक साथ कर लेंगे। बस ये देखिए बिल्कुल इस तरह, इसे मैंने गूंथा बिल्कुल भी नहीं है और इसे बस 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने मावा लिया है, इसे खोआ भी कहते हैं, ये होममेड है, मैंने इसे घर पे बनाया है। यहाँ पे मैंने 1 बाउल मावा लिया है और हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पे नॉर्मल शुगर को ग्राइंड कर लिया है, यानी कि हमें चीनी को पीस लेना है और बस इसे मिक्स करेंगे। और इसमें 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए हमने 1 बाउल वाटर लेंगे और इसमें 1 बाउल शुगर ऐड करेंगे। और बस इसे चलाते हुए पकाएंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और ये बस इसको एक तार की चाशनी बनानी है, तो ये भी बिल्कुल रेडी है। तो अभी अब हम अपनी कचौड़ियाँ बनाते हैं, उसके लिए हम अपने आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे और इसे इस तरह फैलाते हुए इसमें थोड़ा सा मावा ऐड करेंगे। आप इस मावे में चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे सिंपल रखा है। कम कम ही मावा आपको भरना है क्योंकि स्टफिंग अगर ज़्यादा होगी तो आपकी कचौड़ियाँ फट सकती हैं। आप बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बहुत ही हल्के हाथ, मैंने इसे हाथ से ही धीरे धीरे फैला लिया है। बस मेरी कचौड़ियाँ बिल्कुल रेडी, इसी तरह सारे बना लेंगे। और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो हमें यहाँ पे ऑयल लिया है, ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना है,
जैसे ही थोड़ा गर्म होगा ऑयल, वैसे ही हम अपनी कचौरियाँ इसमें डालेंगे और बिल्कुल गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और धीमी आंच पे ही इनको पहले पकाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे ही इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये नीचे से पक रही है। अब हम उनको हल्के से धीरे से पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड अच्छे से डीप फ्राई हो जाएं और इन्हें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है आपको। ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि कचौड़ियाँ फट सकती हैं। तो ये देखिए, ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो रही हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसे निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपनी जो चाशनी में इसे डिप करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक आप इसमें डिप रहने दीजिए और बस उसके बाद इसे निकालिए और सर्व करिए। तो ये देखिए, हमने इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया और ये देखिए कितनी ज़्यादा देखने में ही अच्छी लग रही है। तो आप ज़रूर बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो फिर मैं आ गई हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू तो आपने बहुत बनाए होंगे और खाए भी होंगे, पर इसका टेस्ट यकीन मानिए बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसे जिसे भी खिलाएंगे ना, आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे नट्स का यूज़ हुआ है। तो आप मेरा वीडियो देखिए और मेरे वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे 1 बाउल ग्रेटेड नारियल है। यहाँ पे मैं लूँगी एक कढ़ाई और उसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून देसी घी। और उसमें मैं डालूँगी 1 बाउल पीनट यानी कि मूंगफली, उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी हमारे पीनट का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से भुन गए हैं, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और इसी पैन में जो मेरा थोड़ा घी बचा हुआ है, इसी में मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम मैंने यहाँ पे लिया है। आप यहाँ पे अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसे भी मैं हल्का सा भून लूँगी। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी देखिए भुन गए हैं, तो अभी हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसी पैन में हम अपने कोकोनट को भी फ्राई कर लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमें गैस के फ्लेम को लो रखना है और इसमें ज़्यादा घी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल होता है। तो इसे अच्छे से कलर चेंज होने तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो आप किसी भी फेस्टिवल में इसको बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कोकोनट का कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे।
तो अभी हमारे पीनट ठंडे हो गए हैं, तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें मैं मिलाऊंगी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, आधे ड्राई फ्रूट्स मैं इसके साथ ही ग्रेट कर लूँगी और आधे को मैं छोटे छोटे कट करके लड्डू में मिक्स करूँगी। तो इसका मैंने एक दरदरा मोटा पाउडर बना लिया। तो अभी हमारा पाउडर बिल्कुल रेडी है। तो मैंने कढ़ाई में 1 बाउल गुड़ लिया है और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो अभी हमारी तीनों चीज़ें रेडी हैं, छोटे छोटे कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और पीनट का पाउडर और भुनी हुई नारियल। तो अभी इन तीनों चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। पहले हम गुड़ को हल्का सा मेल्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसे लगातार चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल हमें गुड़ को मेल्ट करना है और इसे अच्छे से पका लेना है। अभी ये देख सकते हैं आप, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें बॉयल भी हो गया है। तो अभी हम इसमें अपने सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे ऐड किया नारियल और अपनी मूंगफली का पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है और उसे भी अच्छे से मिला के मिक्स कर देंगे। अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर बिल्कुल गुड़ के साथ परफेक्टली मिल गया है। अभी ऐड करेंगे जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा कट करके रखा है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है, लड्डू में क्रंची टेस्ट आता है। तो इन सबको मिक्स कर दिया है। हमारे लड्डू बंधने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो हम लड्डुओं को अच्छे से बना लेते हैं। ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे भी नहीं हुए हैं ये। तो बस हम इसी तरह अपने लड्डू को बाइंड करेंगे। आप लड्डू का साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बन रहे हैं। लड्डू बनाने में कभी कभी दो चीज़ों की प्रॉब्लम आती है जिसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। एक तो ये कि कभी कभी आपका जो ये मिक्सचर है गुड़ का, वो गीला हो जाता है। तो उस जगह पर हमें क्या करना है कि हम उसमें और भी ड्राई कोकोनट ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें मिठास कम लग रही है तो हम क्या करेंगे, गुड़ को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे और उसे जरगरी की तरह इसमें यूज़ करेंगे, तो हमारी मिठास भी हम सेट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नए। वेलकम इन हैप्पी किचन विद रक्षा। आज हम आपके लिए बिना अंडे, बिना ओवन और बिना ईस्ट के डोनट की रेसिपी लेके आए हैं, जो सबको बहुत पसंद आती है और बहुत ही इजी तरीके से हम अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो डोनट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़े बाउल में 1 बाउल मैदा लेना है, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा,
हाफ टेबल स्पून से कम सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और 7 से 8 स्पून शुगर, जिसे हमने घर में ही पीसकर पाउडर बना लिया है। आप शुगर को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे देखिए 1/2 बाउल दही ली है। हमें पूरा आटा दही से ही बनाना है और आप पहले थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे। दही कम या ज़्यादा भी लग सकती है। यहाँ पे हमने 1 स्पून बटर लिया है। यहाँ पे बटर की जगह घी या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे और दही वो जितना मोटा या पतला होगा वो इस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो पतला है तो फिर कम लगेगा। तो अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक सॉफ्ट सा आटा तैयार करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके दही डालते रहेंगे और इस आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे और इसे देखिए गूंथ गया है आटा। और इसे हम आधे से एक घंटे के लिए ढककर रख देंगे। इस आटे को गूंथने में हमने 1/2 बाउल दही का यूज़ किया है। तो ये देखिए हमारे 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारा आटा जो है वो फर्मेंट हो गया है। तो इसे हम ज़्यादा गूंथेंगे नहीं, बस हल्के हल्के हाथों से करेंगे। और अगर आपको आटा जो है वो गीला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने डोनट तैयार करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट किया और उस पर पूरे आटे को एक अच्छा सा गोला बनाकर हम गोल सा बेल लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना आटा उठा के बार बार गोल नहीं करेंगे बल्कि हम अपना चौका उठा लेंगे, क्योंकि हमारा जो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो हम इसे चौके को ही घुमाते हुए अपने इस डोनट की पूड़ी को बनाएंगे। आपको डोनट जो है इतना मोटा रखना है। तो अभी हमें डोनट के बीच में होल करना है। उसके लिए हमने एक छोटे ढक्कन का यूज़ किया है।
आप किसी भी ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, कट करते समय अगर आपके ग्लास या अगर आपका ढक्कन इस आटे में चिपक रहा है तो आप इस पर सूखा मैदा थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट लिया है, उसे हमें मेल्ट करना है, तो उसके लिए हमने इसे एक बर्तन में तोड़कर रख लिया है। और यहाँ पे हमने भगोने में पानी गर्म करने के लिए रखा था, उसके ऊपर इसे रख देंगे। ये डबल बॉयलर से हम बहुत जल्दी ही अपना चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है और यहाँ पर हमारे डोनट्स भी रेडी हो गए हैं। आप इस तरह भी इसे खा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें डेकोरेशन करते हैं। तो
को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। ये है आटे के हेल्दी और टेस्टी लड्डू, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये लड्डू आप बनाइए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने घी डाला है, ये देसी घी है, और मैंने यहाँ पर 1 बाउल घी लिया है। मैं इसे 1/2 बाउल पहले डालूंगी, पूरा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो घी ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 बाउल से थोड़ा कम सूजी। वज़न करेंगे तो वो है 100 ग्राम, और बस इसे अच्छे से मिक्स करके लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल गैस का फ्लेम अपना लो रखना है, क्योंकि तेज आँच पर अगर आप ये भुनेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए हमें अपनी सूजी भूननी है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो अभी ये मुझे ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें 1 स्पून घी और ऐड करूँगी। मैं आपको सारे मेज़रमेंट बताती रहूँगी, सारे टिप्स एंड ट्रिक देती रहूँगी, ताकि आपका लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसमें घी डाल के इसे लगातार चलाते हुए धीमी आँच पर भूनते रहिए। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आटा। हमने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं 1.5 बाउल आटा लूँगी, जो कि वज़न में है 150 ग्राम, और यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम घी का यूज़ किया है। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, तब तक जब तक ये आटे का कलर चेंज ना हो जाए और उसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो अभी मुझे ये आटा ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून घी ऐड कर दिया। थोड़ा सा ये घी ऐड करने के बाद आपको भूनना आसान हो जाएगा और ये जल्दी भून जाएंगे। मैंने यहाँ पर सूजी इसलिए ऐड किया क्योंकि हमारे घर में जो आटा आता है वो बहुत ही बारीक होता है, और हमें अपने लड्डुओं में चाहिए थोड़ा क्रंच, इसलिए मैंने यहाँ पे सूजी ऐड की है। तो बस हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो आप देखेंगे कि भूनते भूनते धीरे धीरे आटे का कलर और आटे का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अभी इस स्टेज पे जब हमें लग रहा है कि हमारा आटा भुन गया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 4 स्पून मिल्क। ये फुल क्रीम मिल्क है, इसको डालने से लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी आप देखिए, इसके डालने से जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो हमारे जो लड्डू हैं वो बिल्कुल दाने दाने से हो जाते हैं। हमें इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और आप देख सकते हैं सूजी और आटे के जो दाने थे वो मिल्क डालने की वजह से फूल गए हैं और एक एक दाने अलग अलग हो गए हैं। तो अभी हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, और वापस हम इसमें 4 स्पून मिल्क और ऐड करेंगे। हमें मिल्क को पूरी तरह से सुखा देना है, तो हमने यहाँ पे 4 स्पून मिल्क और ऐड कर दिया।
इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल सुखा लेंगे, मतलब हम इसे 10 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। इसका टेक्सचर देखिएगा आप, ये बिल्कुल एक एक दाना अलग हो जाएगा, एक सॉफ्ट से दाने बन जाएंगे और ये बिल्कुल भुरभुरे हो जाएंगे, जिससे हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और वो दानेदार भी लगेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने मिल्क को पूरी तरह से सुखा लिया है और ये पूरी तरह से ड्राई होता जा रहा है। ये देखिए इसका टेक्सचर, तो अभी ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इस स्टेज पे हम गैस को करेंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा ये आटा ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। हमने लिया है कुछ बादाम, बादाम को थोड़ा पहले भून लेंगे, फिर हम इसमें काजू ऐड करेंगे। आप यहाँ पे अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे काजू और बादाम को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अभी ये भुन गए हैं, मैं ऐसे निकाल लेती हूँ और हमारा आटा भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी ली है, इसे भी मैंने सेम क्वांटिटी में रखा है, बट आप शुगर को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसी हिसाब से इसे ऐड करें। मैंने शुगर पीसते समय उसी में इलायची भी डाल दिया था ताकि इलायची भी इसके साथ पीस गई और ताकि इलायची का फ्लेवर आ जाए। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने अपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं, तो इसे अच्छे से हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। लड्डुओं में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इलायची पाउडर ज़रूर डालें। ये देखिए सारा इकट्ठा हो रहा है, तो अभी हम लड्डू बनाते हैं। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपको लड्डू बनाना है, इसे दबा दबा के गोल कर लेना है। लड्डू का साइज़ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना बड़ा या छोटा लड्डू करना है आप उतना रख सकते हैं। ये देखिए मेरे लड्डू बिल्कुल बन के रेडी है, एक एक करके मैंने सारे लड्डू बना लिए और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं, आप इन्हें बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ।